स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये मिनी ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस बेबी देखिए। और ये जो इसका प्यारा सा ऊपर रिबन लगा है, हम ये भी बनाएंगे। ये आप एज ए कीचेन भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैंने क्रोशे का हुक लिया है वो देखिए 3 mm का है ये। आप 2.5 mm भी ले सकते हैं। हम मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले एक चेन बनाई और फिर इस मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हमें ये देखिए फर्स्ट राउंड हो गया हमारा, और ये मैंने जो मैजिक सर्कल है इसको छोटा कर दिया है। अब हम सेकंड राउंड में चलेंगे। सेकंड राउंड में क्या चलना है हमें, जो हमारा फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट है ना, इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब कि इंक्रीज़ होएगा 1 एंड 2। फर्स्ट वन को हम मार्क कर लेंगे। फर्स्ट वन को हमने मार्क कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही इस राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब कि हम हर स्टिच में बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इस राउंड के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हो जाएंगे 12। दिस वन इज़ लास्ट। इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड राउंड की तरफ चलेंगे। थर्ड राउंड में देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, इसको मार्क कर लेंगे। सेकेंड में भी हम, सेकेंड में हम बढ़ाएंगे, मतलब सेकेंड में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। फिर थर्ड में फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे आपको ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है, 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया 1, 2, ऐसे करके। और इस राउंड के पास जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टिचेज हैं वो 18 होने चाहिए। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ में चलेंगे। फोर्थ में हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, मार्क किया उसको हमने, फिर नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर थर्ड में हम इंक्रीज कर देंगे। पहले वाले राउंड में हमने सेकंड में इंक्रीज किया था, और इसमें हम थर्ड में कर रहे हैं। देखिए फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे आपको ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेना है, और इस राउंड के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हो जाएंगे 24। ये देखिए ये हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने फिफ्थ राउंड पे चलना है। फिफ्थ राउंड पे हम क्या करेंगे, कोई इंक्रीज़ कुछ नहीं, सेम जैसे हमारा फोर्थ है उसी के ऊपर हम 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाएंगे, सब पे 1-1, मतलब लास्ट में हमारे 24 ही स्टिचेस हो जाएंगे। जैसे फोर्थ में 24 हैं तो फिफ्थ में भी 24 हैं। आपको 5 राउंड आपको ऐसे ही बनाने हैं 24 सिंगल क्रोशिया के, कोई इंक्रीज़ नहीं करना। तो मैं आफ्टर 9 राउंड आपको मिलती हूँ, मतलब 9 में बना लेती हूँ, 5 to 9। 10th हम एक साथ बनाएंगे, तो आप 9 राउंड बना लीजिए। ये देखिए ये मैंने 9 राउंड कंप्लीट कर लिए। देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
अब हम 10th राउंड पे चलेंगे। 10th राउंड पे हम देखिए क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 2nd सिंगल क्रोशिया और 3rd में हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये देख रहे हैं, फ्रंट लूप लिया, नेक्स्ट का भी फ्रंट लूप लिया, दोनों में से धागा लेके एक साथ निकाला और फिर एक साथ फिर निकाला, ये हमारा डिक्रीज़ हो गया, मतलब इसको हमने कम किया, जिसको हम घटाना बोलते हैं, ये हमारा डिक्रीज़ हुआ। फिर से देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 और सिंगल क्रोशिया, फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। अगर आपसे फ्रंट लूप से नहीं होता है तो आप फर्स्ट में से निकाल के ऐसे निकालिए, फिर सेकंड में धागा लेके ऐसे निकालिए, हुक पे हमारे 3 लूप आएंगे, इन तीनों को एक साथ निकाल दिए, इसको भी हम डिक्रीज़ बोलते हैं, लेकिन हम उसको इनविजिबल डिक्रीज़ बोलते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते जैसे कि हमने डिक्रीज़ किए हैं। देखिए, फ्रंट लूप में से लिया, नेक्स्ट के भी फ्रंट लूप में से लिया, फिर इन दोनों में से यान ओवर करके ऐसे किया, फिर यान ओवर, पुल थ्रू दोनों के लूप्स में से, ऐसे आपको ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। 1 और सिंगल क्रोशिया, फिर 1 और सिंगल क्रोशिया, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़, ऐसे आपको ये राउंड कंप्लीट कर लेना है, 10th वाला राउंड। और इसके राउंड ख़त्म करने के बाद हमारे जो स्टिचेज़ हैं वो कम हो जाएंगे, वो 18 हो जाएंगे 24 से। ये देखिए, ये हमारा 10th राउंड कम ख़त्म हो गया है और ये डिक्रीज़ के साथ हमारा ख़त्म हुआ है, एंड में हमने डिक्रीज़ किया है। अब हम 11th राउंड पे चलेंगे और इसमें देखिए, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, देख रहे हैं आप, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे बैक लूप से। अब हम ये देखिए, ये फ्रंट हो गया लूप हमारा जो हमारी तरफ है, और जो इधर की तरफ है ये बैक लूप है, तो इसमें हम वर्क करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब डिक्रीज़ भी हम इसी ही में ही करेंगे, फर्स्ट वन को हम मार्क कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 11th में 1 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ बैक लूप में, जैसे हमने पहले डिक्रीज़ किया था वैसे ही हम इसको, लेकिन हम ये सारा बैक लूप में काम करेंगे। देखिए, इसको ऐसे डिक्रीज़ कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। अब 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से डिक्रीज़, ये ऐसे करने के बाद हमारा राउंड आप ख़त्म कर लीजिए, और इस राउंड को ख़त्म करने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हैं वो 12 रह जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए, बैक लूप में काम करने से हमारा ऐसे, ये देखें स्टिचेस, ये ऐसे हाईलाइट हो गए हैं, यहाँ पर हम काम करेंगे बाद में। अभी हम ना आइज़ लगाएंगे, ये देखिए मैंने 4mm की ये सेफ्टी आइज ली हैं, आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक कलर की यान से भी काम कर सकते हैं। अब देखिए, हम जो काउंट करेंगे ऊपर से, 1 2 3 4 5 6, ये 6th वन है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6th पे 5 6, तो हम 5 और 6 के बीच में लगाएंगे। और अब देखिए, इसको हम 1 2 छोड़ देंगे और बीच में 2 स्टिच, आपको 2 छोड़ने, आपको 2 छोड़िए, अगर आपको ठीक लगता है 3 छोड़ के भी, 1 2 3, जैसे भी आपको सही लगे। देखिए, मैंने 3 छोड़े हैं। अब हम इसके लॉक लगा देंगे, और बस अब हम स्टफिंग करेंगे और हम इसको नीचे से बंद कर देंगे। लास्ट राउंड करेंगे हम 12th।
हम स्टफिंग करेंगे। ये मेरे पास फाइबर कॉटन है, हम लास्ट राउंड करेंगे। लास्ट राउंड में आपको क्या करना है, हमारे पास इस राउंड में 11th में 12 रह गए थे, तो अब हम लास्ट में 12th राउंड में हम डिक्रीज करेंगे, वो भी 12 डिक्रीज करने हैं हमने। देखिए इसमें से लिया, अब हमने ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रंट और बैक में से लेना, जैसे आपको डिक्रीज करना है आप वैसे डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब वैसे आप घटा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं अपने। हमें कम करने हैं तो 12 में के हमें 6 करने हैं। आप ऐसे लेके ऐसे भी कर सकते हैं, और दोनों मतलब जैसे मैं फ्रंट लूप से ले रही थी ना, तो आप वैसे भी ले सकते हैं, तो थोड़ा स्पेस कम रह जाएगा। ये वाला मेथड आप अप्लाई कर लीजिए कि देखिए एक में से निकाला, फर्स्ट स्टिच में से निकाला, फिर नेक्स्ट में से भी निकाला, लूप पे तीन, हुक पे तीन लूप्स आए, तीनों को एक साथ निकाला। और इस राउंड के बाद हमारे पास ये 6, 12 के 6 रह जाएंगे 6 डिक्रीज करने से। ये देखिए अब थोड़ी सी यान को ऐसे निकालिए और इसको कट कर दीजिए। अब हम जो ये थोड़ा सा पार्ट रह गया इसको हम सिल देंगे। अगर आपको लगता है ना कि स्टफिंग थोड़ी सी कम है तो आप अभी भी फिल कर सकते हैं। अब हम इसके लेग्स और रिबन, सिर्फ हमारे दो रह गए हैं तो पार्ट रह गए हैं, फटाफट हम बना लेते हैं। ये देखिए ये वाले जो स्टिचेस हैं, अब हम इसमें वर्क करेंगे। दो चेन बनानी है आपको, 1 और 2। अब हम इसी में ही जिसमें हमने चेन बनाई है इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, और ये जो हमने स्टार्टिंग में उसका भी हम अंदर ही ले लेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब फिर से सेम रिपीट करना है, 2 चेन, 1 2, फिर इसी में जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से 2 चेन, 1 2, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच,
फिर उससे नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, फिर दो चेन, एक दो, फिर सेम में डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो ऐसे आप रिपीट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा स्लिप स्टिच आ गया, फिर उसे नेक्स्ट में भी आ गया। तो ऐसे आप ये ऐसे पूरा बना लीजिए। ये देखिए ये मेरी सारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट वाले को देखिए, लास्ट में एक स्टिच बचता है हमारा, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और ऐसे कट कर लेंगे यार्न को। अब सिर्फ हमारा रिबन रह रहा है, उसको भी हम फटाफट बना लेते हैं। देखिए बहुत जल्दी बन जाएगा। आप मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको 15 मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। और कितना प्यारा गिफ्ट है अगर आपको किसी को लास्ट मिनट किसी को गिफ्ट करना है तो। देखिए आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा जिनको क्रोशे करना अच्छा लगता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट समथिंग तो आप वहाँ मुझे DM कर सकते हैं। अगर आप कुछ कस्टमाइज़ भी कराना चाहें तो आप वहाँ मुझे DM करके बता सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा, बहुत ही जल्द हमारा ये बन जाता है। अब फटाफट हम ये देखिए हम फटाफट नॉट लगा लेंगे। ये थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे ऐसे रखना है ताकि हम सिल सकें। नॉट लगाई, तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब जो फर्स्ट चेन है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। अब से तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी में ही सेम स्टिच में जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए फिर से तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 और वन टू थ्री और इसी में ही फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम में, 1 2 और 3। फिर से तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसमें ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा रिबन या आप बो कर लीजिए और एक चेन बनाएं और इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा लंबा रख के कट करिएगा। ये देखिए इसको थोड़ा देखिए हमारा रिबन बन के तैयार हो गया। इसको आप यहाँ पे ऐसे ये देखिए ये हमारा बो क्लिप लग गया।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।